आज हम आए हैं ग्लोबल विलेज में। ग्लोबल विलेज जो है उसमें बहुत सारे कंट्रीज़ के पवेलियंस होते हैं। यहाँ मेरे हस्बैंड ट्राइपॉड सेट कर रहे हैं ताकि वो फैमिली पिक्चर ले सकें, क्योंकि डे लाइट बहुत ज़बरदस्त थी और मौसम बहुत ही अच्छा था। हमारे साथ यहाँ हमारी 3 फैमिलीज और आई थी, हमने उनके साथ मिलकर बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। हम लोग आए हैं ग्लोबल विलेज में और यहाँ पर हम लोग करेंगे एंजॉय और आपको अपने साथ हम लोग करवाएंगे ग्लोबल विलेज की सैर। जी तो सबसे पहले हम लोग आए हैं पाकिस्तान के स्टॉल में, पहले कुछ खाएंगे यहाँ से बंद कबाब और समोसा चाट। चलिए हमारे साथ आप एंजॉय करें। पाकिस्तान के पवेलियन में सबसे ज़्यादा रश जो था वो खाने पीने की चीज़ों में था। यहाँ पर बहुत मज़े की चीज़ें मिल रही थी, जैसे समोसा चाट, दही भल्ले, गोलगप्पे और बन कबाब तो यहाँ पर बहुत मज़े के हैं। ग्लोबल विलेज ख़त्म होने में अब एक महीना रह गया है, आप यहाँ पर आएँ तो यहाँ के बन कबाब ज़रूर ट्राई करें। पाकिस्तानी पवेलियन में खाने पीने के अलावा कपड़े मिलते हैं, लेडीज़ के स्टिच और अनस्टिच सूट्स मिलते हैं और बेड शीट्स वगैरह और जैकेट्स, लेदर जैकेट्स, इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं। इसी तरह आप सभी कंट्रीज़ के पवेलियन में उनके स्पेशल फूड और स्पेशल ट्रेडिशनल चीज़ें बाय कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जगह कितनी खूबसूरत बनी हुई है, बहुत कलरफुल है और बहुत लाइट्स हैं यहाँ पर, और अगर मौसम अच्छा हो तो यहाँ पर घूमने फिरने का बहुत मज़ा आता है। सभी पवेलियन को उनके कल्चर और ट्रेडिशन के हिसाब से बहुत खूबसूरती से डेकोरेट किया गया है। यहाँ एक बहुत खूबसूरत ट्रेन है जिसके अंदर थाईलैंड के सभी फूड मिलते हैं। हमारे साथ और भी बहुत सारी फैमिलीज थी, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकी, लेकिन मैं छोटे छोटे क्लिप्स जो हैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये यहाँ पर एक फूड स्ट्रीट है जिसमें हर किस्म के खाने मिलते हैं, जिसमें लेबनीज, अरेबिक, इंडियन और पाकिस्तानी फूड भी है। इसके अलावा बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर। हम सब फैमिलीज मिलके बुंदू खान गए खाना खाने के लिए। यहाँ की हलवा, पूरी, चने और हलीम और बिहारी कबाब बहुत मज़े के हैं, अगर आप यहाँ पर आएँ तो ये ज़रूर ट्राई करिएगा। खाना खाने के बाद हम लोग निकले फिर से थोड़ी वॉक करने के लिए और मौसम बहुत अच्छा था, ठंडी हवा चल रही थी, इसलिए हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया वहाँ पर। हमने बहुत फिर लिया यहाँ पर और बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। तो अब टाइम ख़त्म हो गया है, जाते जाते हमने सोचा क्यों ना हम बोस्नियन हाउस से कबाब सैंडविच ले लें। इनके कबाब सैंडविच बहुत मज़े के होते हैं, इनका टेस्ट बहुत माइल्ड होता है, बहुत स्पाइसी नहीं होता, और मेरे बच्चों को ये सैंडविचेस बहुत पसंद हैं। जी तो हम जा रहे हैं अब वापस, हमने यहाँ पर बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा किया, खाया पिया। और आपको मेरा व्लॉग अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और चले ठीक है, ओके, होती है नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।